दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 40,000 शिक्षकों की होगी भर्ती और 5,000 व्यायाम शिक्षक भी होंगे। और क्या है पूरी खबर, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों आपको सर्च करना है प्रमोद राणा। तो जैसे ही दोस्तों आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल खुल जाएगी और जल्दी से दोस्तों फॉलो के बटन पर क्लिक कीजिए और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं यदि आपको कोई क्वेरी है तो। और दोस्तों बहुत से कोर्सेज डाले गए हैं जिसमें शिक्षक की तैयारी भी पूरी, जो एमपी के संविदा शिक्षक होंगे जो भर्ती होने वाली है उनकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और आपको पीडीएफ फाइल भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो आप वहां जाके जुड़ सकते हैं और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, एमपी करंट अफेयर, सामान्य हिंदी के सभी पीडीएफ फाइल आप फ्री में ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां जाके जुड़ जाइए और आप डेमो के माध्यम से देख सकते हैं कि दोस्तों इस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको न्यूज़ पर। पहले तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, दैनिक भास्कर की खबर है और मैं अपने घर पे कोई ये न्यूज़ नहीं बनाता हूँ जो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। और ये दोस्तों फेक न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये दैनिक भास्कर के साथ साथ बहुत से अखबारों में आई है। मैं अभी उन सभी अखबारों के बारे में भी आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी स्कूलों में 70 शिक्षकों के पद खाली प्रक्रिया अगले महीनों से शुरू होगी। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा गलती टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा इनसे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 40,000 शिक्षकों की भर्ती, 5,000 व्यायाम शिक्षक भी होंगे, यानी जिन्होंने व्यायाम से डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो जल्दी से इसी पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अगले सत्र से लगभग 40,000 शिक्षक मिल जाएंगे। स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर से शुरू हो जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी को पत्र भेज दिया है। पीईबी परीक्षा के आवेदन की समय सारणी जल्द घोषित कर सकता है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। डीपीआई द्वारा पहले ही भर्ती नियम तैयार कर शासन को भेज दिए गए थे जिसे अनुमति मिल गई है। इस बार महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित किए हैं, साथ ही उन्हें आयु सीमा में 5 साल की छूट भी दी गई है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा पर नहीं बल्कि नियमित रूप से की जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और दोस्तों जल्दी से पूरी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए ये भी न्यूज़ है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8 साल पहले वर्ष 2011 में शिक्षकों के 75,000 पद खाली थे। वर्ष 2013 में 16,000 शिक्षकों की भर्ती की गई, इसके बाद से अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। हालांकि हर साल प्रस्ताव बनते रहे और भर्ती रद्द होती रही, इस कारण स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर काम चलाया जा रहा है। अब संशोधित नियमों के अनुसार जिस अतिथि शिक्षक ने 200 से 399 दिन पढ़ाया है उसे 5 अंक और 400 से 599 दिन पढ़ाने वाले को 10 अंक बोनस अंक दिए जाएंगे। उन्हें नियमित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक का बहुत बड़ा फायदा होगा। देख सकते हैं स्कूलों में 70,000 पद खाली है। मध्य प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की संख्या 1,42,000 है, जबकि इस मान में प्रदेश में शिक्षक 2,86,471 है। प्रदेश के हाई स्कूल 6,534 हैं, इसमें शिक्षकों 58,572 हैं। इन स्कूलों में 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। प्रस्तावित पद 41,218 हैं, जबकि सरकार की तरफ से स्वीकृत पद कितने हैं, 31,658 हैं। 7,914 पद अतिथि शिक्षकों के लिए पद आरक्षित किए गए। तो प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने बताया कि प्रदेश भर में 40,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी। इसमें 5,000 लाइब्रेरियन और 5,000 व्यायाम शिक्षक भी होंगे। सितंबर माह में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमें जाके अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं प्रमोद राणा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां भी जाके जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरी न्यूज आई है कि मध्य प्रदेश के 2,37,000 अध्यापकों को नए कैडर में लाने की प्रक्रिया शुरू। अध्यापक संघ का मूल पदनाम ना देने पर विरोध। देख सकते हैं प्रदेश के अध्यापकों को शिक्षा विभाग में लाने का टाइम टेबल घोषित, 30 सितंबर अंतिम तिथि है। और आप ये वीडियो को पॉज करके अच्छे से जानकारी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ में दूसरे न्यूज़पेपर में जो कि आप देख सकते हैं नई दुनिया में भी यही खबर आई है, एमपी के सरकारी स्कूलों में 40,000 शिक्षकों की होगी भर्ती प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो जाएगी। तो आप स्वयं देख सकते हैं दोस्तों बहुत से न्यूज़पेपरों में आई है और ये खबर आप मान सकते हैं कि 80% तक ये सही है। और आप अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए, चुनाव का माहौल है दोस्तों। शिवराज जी भी आप जानते हो इतना तो उनमें दिमाग होगा कि उन्हें ये इस समय भर्ती देनी है कि नहीं। तो अब भर्ती तो दोस्तों किसी भी हालत में होनी है, तो आप इस अनुसार अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।